और अब एक और बड़ी खबर, असम में असम राइफल्स और पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स और विदेशी शराब को बरामद कर लिया गया है। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर असम से मिल रही है, जहां असम राइफल्स और पुलिस की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स और विदेशी शराब बरामद कर लिया गया है। मौके से एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और इसी आरोपी से ज्यादा जानकारी मिल पाएगी कि कहां से इस ड्रग्स को लाया गया, कहां इसको ले जाना था। ये सब कुछ इस वक्त जांच का विषय है। और अब बात ग्वालियर से मिल रही है एक बड़ी खबर की। ग्वालियर सीट से बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के स्वागत समारोह में उस वक्त जबरदस्त बवाल हो गया जब उनके दो समर्थकों में आपस में ही विवाद हो गया। देखते ही देखते रुस्तम सिंह नाम के एक समर्थक ने धर्मेंद्र गुर्जर नाम के समर्थक को गोली मार दी, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने आरोपी रुस्तम को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच पहले से कोई विवाद चल रहा था और इसी को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। घायल धर्मेंद्र को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है, लेकिन इस बवाल की जो तस्वीर सामने आई वो भी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। आरोपी समर्थक रुस्तम सिंह गिरफ्तार हो चुका है। भाजपा कार्यालय के पास गांधी मार्केट की तरफ फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, उसमें एक धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति है उनको गोली लगी है और रुस्तम नाम के व्यक्ति को अभी पकड़ा गया है, जिसके पास से पिस्टल बरामद हुई है। अभी आगे का क्या इनका पुराना विवाद है और किस कारण ये सब हुआ है, ये थोड़ी जानकारी अभी एक बार लेके हम आपको आगे जो भी डिटेल है सब बताएं। कौन लोग हैं ये बताया जा रहा करता है और स्वागत के दौरान? हाँ, शायद इनका जो टिकट को लेके अभी जो कुछ जुलूस चल रहा था उसमें ये दोनों पक्ष आए थे और इनका शायद पुराना कुछ विवाद है। लेकिन और रविवार को छत्तीसगढ़ पुलिस को नक्सलवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। कांकेर में एक एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने नागेश नाम के कुख्यात नक्सली को मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक मारे गए नागेश पर 10 लाख रुपए का इनाम पहले से ही घोषित था। नागेश पर 18 से ज्यादा सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों की हत्या का आरोप लगा था और उसके मारे जाने से छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और कांकेर बॉर्डर पर नक्सली गतिविधि कमजोर होने का दावा किया जा रहा है। इस एनकाउंटर में बस्तर फाइटर्स का एक जवान भी शहीद हो गया है, लेकिन इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि इस पर पहले से इनाम घोषित था और इसे अब मार गिराया गया है। उपस्थिति की सूचना पर थाना छोटे बैठे के विभिन्न जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया गया, जिसमें बीएसएफ, डीआरजी और जिला बल के जवान द्वारा एक संयुक्त अभियान किया गया था। जब हमारे जवान नक्सलियों की उपस्थिति की जगह पर पहुंचे तो नक्सली द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके जवाब पर भी हमारे जवानों ने लगातार फायरिंग की। ये फायरिंग लगभग 1 घंटे से अधिक चली है और जब इलाके की सर्चिंग की गई तो एक नक्सली का शव बरामद हुआ है, जिसमें एक छोटी सुई प्राप्त हुआ है। इस नक्सल विरोधी अभियान में हमारे जिले के एक आरक्षक रमेश कुरेटी शहीद हो गए हैं। इलाके में भी सर्चिंग अभियान जारी है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नागेश अब मारा गया है, पहले से इस पर इनाम तक घोषित था। अब मैं आपको ये भी बता दूं, कांकेर में हुए इस एनकाउंटर में मारा गया नक्सली नागेश बहुत कुख्यात था और उसका आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसी के बारे में और जानकारी जो मिली है वो आपको बताते हैं। एनकाउंटर में जो नक्सली मारा गया है नागेश के पास से जानकारी ये मिल रही है कि AK-47 राइफल यहां से बरामद की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2005 से नक्सली संगठन में सक्रिय था और इसीलिए का मारा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नारायणपुर बस ब्लास्ट का मुख्य आरोपी अगर कोई था तो वो यही नागेश था। बस्तर के साथ साथ महाराष्ट्र में भी ये सक्रिय बताया जा रहा था। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कई सारी ऐसी गतिविधियां जिसको अंजाम इसी की तरफ से दिया जाता था। बस विस्फोट में नक्सली नागेश मुख्य आरोपी था, उस घटना में 3 DIG जवानों की शहादत हुई थी। बस्तर के कई जिलों के अलावा नागेश महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी सक्रिय रहा और कई वारदातों को अंजाम दिया गया। नक्सली कमांडर नागेश पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम पहले से ही घोषित कर रखा था और अब वो मारा जा चुका है। और बैंगलोर ब्लास्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। कैफे में हुए ब्लास्ट के आतंकी संगठन से जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आतंकी संगठन अल उम्मा से जुड़े लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक अल उम्मा आतंकियों के पैटर्न से मिलता जुलता है। बैंगलोर कैफे में हुए ब्लास्ट की घटना दक्षिण भारत में पहले भी कई बार
बताया जा रहा है कि ऐसे धमाके हो चुके हैं और इसी संगठन से जुड़े हुए आतंकियों ने वो किए हैं। कैफे ब्लास्ट केस में सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। जितने भी सीसीटीवी वहां पर लगे हुए थे उन्हें अब खंगाला जा रहा है, क्योंकि अभी तक भी जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें किसी में उसका चेहरा छिपा हुआ है, दिख नहीं पा रहा है। अब स्केच बनाने की भी कोशिश की जा रही है। जांच में जुटी बेंगलुरु पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। ऐसा क्यों, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। कैफे में जिस तरह से ब्लास्ट किया गया उसका पैटर्न बताया जाता है कि जो पहले भी ये ब्लास्ट हुआ है उससे जुड़ा हुआ मिलता जुलता दिखाई देता है। इसके अलावा अल उम्मा संगठन के पैटर्न से मिलता है। संदिग्ध आतंकी कैप और मास्क पहनते हैं, ये भी एक बड़ा कनेक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। सिर पर टोपी पहनी जाती है, चेहरे को पहचान छिपाने के लिए ढक कर रखते हैं। सीसीटीवी में रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट करने वाला जो आरोपी दिखा है उसका हुलिया भी उसी तरह का दिखाई देता है। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा आरोपी ने अल उम्मा आतंकियों की तरह ही विस्फोटक से भरा हुआ बैग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रखकर रामेश्वरम कैफे तक पहुंचाया। जांच में पुलिस को कई सीसीटीवी में विस्फोट करने वाला आरोपी दिखाई दिया है, लेकिन पुलिस उसकी लास्ट लोकेशन तक अभी तक भी पहुंच नहीं पाई है। पुलिस को शक है कि वो बेंगलुरु से बाहर जा चुका है, लेकिन उसे कैसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए इसी की कोशिश इस वक्त पुलिस की तरफ से की जा रही है। तमाम ऐसे सीसीटीवी जो वहां पर लगे हुए थे उन्हें खंगाला जा रहा है, स्केच बाकायदा बनाया जा रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, लालू यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर अब बखेड़ा खड़ा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठा दिया था। इंडी गठबंधन की जन विश्वास रैली में लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी मां के निधन पर बाल दाढ़ी क्यों नहीं कटवाया। लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू ही नहीं है, जिस पर बवाल खड़ा हो चुका है। सबसे पहले आप सुनिए कि लालू यादव ने आखिर उस दिन कहा क्या था। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं, तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ। लालू यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि जिन लोगों ने बिहार को गाली बना दिया वो दुनिया में सनातन को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री पर बयानबाजी कर रहे हैं। अजय आलोक ने भी लालू यादव को राहुल गांधी को यहां पर घेर लिया है। वहीं जेडीयू के नीरज कुमार ने कहा है कि उम्र के इस पड़ाव में इस तरह की भाषा लालू प्रसाद को शोभा नहीं देती। ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लालू यादव के बयान पर अब बखेड़ा खड़ा हो चुका है। इसको लेकर अब चौतरफा घिरते हुए लालू यादव दिखाई दे रहे हैं।